चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलिए, हम लोग जैसा कि अभी तक समझ चुके हैं, तीनों प्रकार के जो रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर ट्यूब फुल वेव रेक्टिफायर एवं ब्रिज रेक्टिफायर, तीनों के बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड जो विभिन्न परिभाषाएँ होती हैं, विभिन्न परिभाषाएँ जो रेक्टिफायर्स की वर्किंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें आवश्यक होती है, या उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए जो परिभाषाएं आवश्यक होती हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अधिकतम धारामान क्या होता है। ठीक है, अधिकतम धारामान क्या होता है यह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग अधिकतम धारा मान। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को या और भी कुछ परिभाषाएं हैं अभी आपके सिलेबस में रेक्टिफायर वाले चैप्टर के अंतर्गत, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में हमने एसी सप्लाई के अंतर्गत पढ़ी थी। ठीक है, तो वो यहाँ पर फिर से दोबारा से ऐड की गई हैं, तो दोनों के बारे में जो विभिन्न टर्म्स हैं वो आपको दोबारा से यहाँ पर एक बार फिर से समझाना जो है वह जरूरी हो जाता है। ठीक है, वो एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए बस उन परिभाषाओं को, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अधिकतम धारा मान जो होता है, जैसे हम एसी सप्लाई में पढ़ते हैं, जो शिखर मान जो पढ़ते हैं हम लोग, जब हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा था, तो प्रत्यावर्ती धारा में जो शिखर मान था, वो शिखर मान को ही हम लोग अधिकतम धारा मान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो प्योर साइन वेव एसी सप्लाई होती है, उसके द्वारा जो करेंट फ्लो होती है सर्किट में, वह इस तरह से फ्लो होती है। तो इसमें देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये शिखर दिख रहा है, सप्लाई का अधिकतम मान होता है। यहाँ पर जब सप्लाई पहुँचती है तो इसका अधिकतम मान होता है। तो ये जो अधिकतम मान है ना, या शिखर मान है, ये जो एम्पलीट्यूड होता है, मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड है 312 वोल्ट, है ना। तो ये 312 वोल्ट जो होगा, या मान लीजिए हम करेंट के टर्म्स में देखें, यदि करेंट के टर्म्स में देखें तो करेंट के लिए भी इस सप्लाई का ग्राफ खींच सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें ये यहाँ पर शिखर पे जो करेंट हम लोग दर्शाते हैं, वह करेंट यदि आ रहा है 15 एम्पियर, तो यहाँ पर 15 एम्पियर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो 15 एम्पियर है यहाँ पर, ये 15 एम्पियर इसकी कही जाएगी शिखर मान या अधिकतम धारा मान। और इसे सिंबल के रूप में जब हमें दर्शाना होगा तो हम इसे IM के द्वारा दर्शाएंगे। तो जो पीक वैल्यू होती है, ये शिखर के समय पर जो वैल्यू होती है, उसे हम लोग IM से दर्शाते हैं, अधिकतम धारा मान को हम लोग IM से दर्शाते हैं। ठीक है, या AC सप्लाई की हम लोग बात करें, प्रत्यावर्ती धारा में आपको पढ़ाया गया है कि इसे शिखर मान कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, यही अधिकतम धारा मान जो है, यही शिखर मान होता है, यही अधिकतम मान होता है। ये आप लोग अलग अलग नाम से कंफ्यूज ना हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। जो किसी एसी सप्लाई में उसका अधिकतम मान होता है, वही उसका शिखर मान या अधिकतम धारा मान कहलाता है। ठीक है, तो जब हम लोग डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं, जब हमने डीसी रेक्टिफायर सर्किट बनाए हैं, तो डीसी रेक्टिफायर में भी आपने देखा कि जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट पल्सेटिंग है। तो इस पल्सेटिंग में भी आप लोग देखिए कि ये किसी विशेष समय पर जो धन अर्धचक्र है, इसका मान अधिकतम हो रहा है। तो ये अधिकतम जो मान ये प्राप्त कर रहा है विभिन्न अर्ध चक्रों में, इस अधिकतम मान को ही या इस शिखर मान को ही हम लोग यहाँ पर IM से दर्शा रहे हैं, और इसे हम लोग नाम लोग दे रहे हैं, इसे हम लोग नाम दे रहे हैं शिखर मान या अधिकतम धारा मान। ठीक है,
शिखर मान या अधिकतम धारा मान, यह कहलाएगा अधिकतम धारा मान। ठीक है, यहाँ पर अभी अधिकतम धारा मान हमारे लिए समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये जो आईएम होता है या अधिकतम धारा होती है किसी रेक्टिफायर सर्किट के लिए, उस पर दूसरी राशियां जो है उनका मैथमेटिकल या गणितीय रूप से संबंध होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आईएम यदि आपको उन गणितीय सूत्रों में रख करके बताएंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हम पहले समझें कि आखिर अधिकतम मान क्या होता है, और हम अधिकतम मान के संदर्भ में जो दूसरी परिभाषाएं बताएंगे तो दूसरी जो धाराएं हैं उन्हें इस आईएम के संदर्भ में देखेंगे कि इनका आपस में मैथमेटिकली क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये अधिकतम धारा मान आपको बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, तो मैं समझता हूँ कि यह आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरी परिभाषा ले लेते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है किसी सर्किट के लिए, किसी रेक्टिफायर के लिए जो दिष्ट धारा होती है, औसत उसका औसत मान, जो कि हम जानते हैं कि, चलिए पहले से क्लियर कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखिए किसी सर्किट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी रेक्टिफायर सर्किट में जो डीसी है, किसी रेक्टिफायर सर्किट में जो डीसी बन रही है वह पल्सेटिंग है, इस तरह से पल्सेटिंग है। तो ये जो पल्सेटिंग डीसी होती है, इस पल्सेटिंग डीसी में देखिए यहाँ पर आप इसे ये इसका जो मान निर्धारित करेंगे वो डीसी का कैसे मान निर्धारित करेंगे कि इसमें डीसी कितने मान की है, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो अलग अलग वैल्यू है विभिन्न समय पर, इन वैल्यूज का एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रीड तो जा नहीं रही है, तो इन सभी को जैसे मान लीजिए यहाँ 15 वोल्ट था, फिर प्लस इससे थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो 20 वोल्ट हो गया, ऐसे करके सारा जितना भी ये एवरेज है ना, इन सब का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। और वो जो एवरेज वैल्यू मिलती है, वह जो एवरेज वैल्यू हमें मिलती है, ये जो एवरेज वैल्यू मिलती है, इस एवरेज वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पर औसत डीसी मान कहते हैं, आई डीसी से इसे हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में अभी और आगे समझाने वाला हूँ कि ये जो यहाँ पर पल्सेटिंग डीसी होती है, पल्सेटिंग डीसी जो होती है, इस पल्सेटिंग डीसी में आप किस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें डीसी प्लस एसी दोनों कंपोनेंट होते हैं, इस बात को आप किस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यह मैं आपको इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ जब हम रिपल की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर जो आसान परिभाषा है वो पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद में आपको जो इससे थोड़ा अगले लेवल पर आगे लेकर के जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो एवरेज हमें निकालना है ना, यदि मान लीजिए यहाँ पर डीसी का भी ये एवरेज यदि आपको निकालना है, तो इसका एवरेज आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका एवरेज निकालने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल फार टूल्स होते हैं, जैसे कि इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन भाई जो एवरेज निकालना होता है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी संख्या को जोड़ेंगे। तो अब ये इसका एक्चुअल मान तो हमें पता नहीं है, इसकी तो केवल लिमिट पता है हमें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से लेकर के ये पाई डिग्री तक चेंज हुआ, यहाँ 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम क्या नाम देते हैं, पाई, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 0 से पाई तक चेंज हुआ, ये लिमिट होता है। तो देखिए क्या होता है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में, जिन बच्चों ने अगर 12वीं मैथ से नहीं भी किया हुआ है, तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में बता दूंगा कि आप ये मान करके चलिए बस कि एक मैथमेटिकल हमारे पास टूल होता है जिनको हम वो जिसको हम बोलते हैं समाकलन, समाकलन या इंट्रीगेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इंट्रीगेशन करके, या तो ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर ये ले रहा है वो
वो सबको आप जोड़ दें, या आप क्या कर सकते हैं कि इसका जीरो से पाई के बीच में इंटीग्रेशन कर दें तो एक ही मान आएगा। कुल मिलाकर के जो समाकलन होता है, समाकलन भी एक जोड़ की विधि होती है, ये आप लोग ध्यान रखें। जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये इस पूरे का हम लोग जोड़ कर देते हैं और उसे ये 180 डिग्री से यानी कि पाई से भाग लगा देते हैं तो हमें इसका एवरेज पता चल जाता है। ये एक मैथमेटिकल टूल है, बस आप इतना याद रख लीजिए तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आप अभी जैसा हम बोल रहे हैं वैसा समझते चलिए। ठीक है, देखिए हम लोग जब इसे सोल्व करते हैं, अब इसे जो है पूरा सोल्व करके बताने से अच्छा है कि आप लोग सीधे याद रख लीजिए, क्योंकि समाकलन वाला टॉपिक तो हमें अभी करना नहीं है, मैथ्स तो यहाँ पर सीखने के लिए अभी बैठे नहीं है, है ना। तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि अभी केवल इतना मान लीजिए, जिन बच्चों को ज़्यादा अगर मान लो जानकारी लेना है तो वो जो समाकलन होता है, समाकलन मैथ्स के 12th के चैप्टर में होता है, समाकलन इंटीग्रेशन वहाँ पर देख सकते हैं, और इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में आप लोग देख लेना समाकलन के उपयोग। ठीक है, समाकलन के उपयोग, तो ये जो बाकी बच्चे हैं वो इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना अभी जानकारी के लिए ध्यान रख लीजिए, अभी आपसे कभी ये पूछा भी नहीं जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए आप केवल इससे आपकी वैल्यू पूछी जाएगी, आपको करके कभी भी नहीं दिखाना रहेगा कि कितना आता है। तो देखिए जो यहाँ पर पीक वैल्यू मैंने आपको बताई कि जो पीक वैल्यू होती है या शिखर मान होता है, जिसे हम लोग IM से दर्शाते हैं, तो देखिए जो एवरेज DC होती है, IDC, जो IDC एवरेज DC होती है, वो एवरेज DC IEM से रिलेशन होता है उसका। ठीक है, मतलब IEM को जो IEM है, IEM को यदि पाई से आप लोग डिवाइड कर दें तो IEM को यदि पाई से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर IDC का मान पता चल जाता है। ठीक है, ये IDC का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो IDC और IEM में आपको रिलेशन पता है कि जो अधिकतम धारा मान होता है, अधिकतम धारा मान को जब हम पाई से भाग लगा देते हैं तो हमें जो एवरेज DC होती है वह पता चल जाता है। और यह कहाँ से प्राप्त किया हमने, IEM बटा पाई, जो ये जो वैल्यू हमें मिली है ये आपको इंटीग्रेशन के बाद मिली है। ठीक है, जब आपने ये पूरा वैल्यू को इटरेट किया ना आपने जीरो से पाई के बीच में, तब उसके बाद आपको ये IEM बाय पाई जो है ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखते हैं। देखिए अभी से हम और अधिक आगे सोल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, है ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इसे हम यहाँ पर यदि यहाँ पर 1/3/4 लिख सकते हैं इसे, एक सही एक एक बटा 3.14 लिख सकते हैं इसे हम, गुणित IEM इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए 3.14 से जब आप एक में भाग लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 0.318। ठीक है, IEM, तो इस तरह से जो IDC होती है वो देखिए आप लोग IEM से कम होती है, है ना, वह लगभग 30% कम होती है। तो यहाँ देखिए हमने इसको नीचे बनाया है, यहाँ 30% करीबन आप लोग देखिए ये 30% यहाँ से नीचे इसे बनाया गया है। ठीक है, यह वैल्यू होती है IDC एवरेज DC, और ये जो शिखर वैल्यू होती है यह होता है अधिकतम धारा मान। तो ये दोनों परिभाषाएं जो हैं सिंपल परिभाषाएं, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये वैल्यू आपको मिली, ये वैल्यू जो थी, यह वैल्यू आपके लिए आई है, ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही वेव का जो है ऊपर कन्वर्जन किया जा रहा है, केवल एक ही वेव हमें ऊपर की तरफ मिल रही है, है ना। लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में यह वैल्यू दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो DC की वैल्यू है, एवरेज DC
वहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हो जाएगी 2 × IM/π, ठीक है। तो आखिरी में जब ये 0.318 में आप यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 0.636 IM, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखें, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम आरएमएस धारा मान के बारे में बात करते हैं कि आरएमएस धारा मान क्या होता है, ठीक है। आरएमएस धारा मान थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वह समझना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पीक मान जो है वही आरएमएस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से पूरा क्लियर डायग्राम बना करके और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी एसी है, एसी साइकिल है, ठीक है। अब इस एसी साइकिल में आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर होता है शिखर मान आईएम, ठीक है, और जो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू जो होती है वह इस आईएम से कम होती है। तो हमें जानना है कि आखिर जब ये शिखर मान जो है, शिखर मान यहाँ पर जो भी है, तो आरएमएस मान आखिर क्या होता है। किसी सप्लाई के लिए जो आरएमएस मान होता है, या आरएमएस धारा होती है, या आरएमएस वोल्टेज होता है, तो ये आरएमएस आखिर क्या शो कर रहा है, ठीक है, यह हमें दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए इस सर्किट के लिए जो एसी सप्लाई है ना, इस एसी सप्लाई में देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई हीटर गर्म करें, यहाँ हमने एक हीटिंग एलिमेंट लगा दिया है, ये एक हीटर की कॉइल है, और इस हीटर को हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसे हमने एसी सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ पर धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, ये धारा का मान धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। अब धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वह धीरे धीरे बढ़ रही है ना। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर देखें आप कि ये जो मान है ये फिर से कम होने लगा, तो कम होने लगा तो ये फिर ठंडा होगा, ये तार जो है थोड़ा सा फिर से ठंडा होने लग जाएगा। यहाँ पे इसका हीटिंग एलिमेंट देखिए कुछ कुछ ठंडा हो जाएगा ये यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि जब फिर ये नेगेटिव साइकिल आएगा, तो नेगेटिव साइकिल से इसे सर्किट में धारा किसी भी दिशा में फ्लो हो, तो ये तो करंट, तो ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर, ये एलिमेंट तो गर्म होगा। तो देखिए अब क्या होगा कि फिर से ये धारा जब ये बढ़ेगी नेगेटिव साइकिल में, तो फिर ये एलिमेंट गर्म होगा, है ना। और उसके बाद फिर जब ये 0 वैल्यू तक जाएगी यहाँ पर, तो नेगेटिव में मान कम होगा, तो फिर से ये दोबारा ठंडा होगा। तो देखिए क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ में या एसी सर्किट के लिए धारा का उतना मान, ठीक है, जैसे ये जितना इस करंट को गर्म करता है, जैसे मान लीजिए ये इसे इस हीटिंग एलिमेंट को इसमें हमने ये वाली 212 वोल्ट की हमने यहाँ पर पीक वैल्यू वाली इसमें एसी लगाई, ये एक अल्टरनेटर लगाया है हमने जिसकी पीक वैल्यू कितनी है 312 वोल्ट, ठीक है। तो 312 वोल्ट की ये जो पीक वैल्यू वाली, ये पीक वैल्यू है, ठीक है, पीक वैल्यू वाली जब हमने इसमें चलिए ऐसा करते हैं कि आपको इसमें करंट के टर्म्स में ही समझाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम लोग ये करंट की बात कर रहे हैं, करंट के रूप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ पर हमें करंट के बारे में ही, करंट के टर्म्स के रूप में ही आपको इसको समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यहाँ पर कुछ एजम्पशंस मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ राशियाँ जो हैं काल्पनिक राशियाँ ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी सहायता से जनरली समझाना आसान होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पर मान लीजिए ये जो पीक धारा है इसका मान है 10 एम्पियर, ठीक
ठीक है। अब हमने ये 10 एम्पियर वाला सोर्स जब इस लोड से लगाया, हीटिंग एलिमेंट में लगाया, तो ये 10 एम्पियर करंट जो है इस हीटिंग एलिमेंट में फ्लो होगी, और 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होते होते देखिए, क्योंकि ये एसी लोड है, ये एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें लगातार 10 एम्पियर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है ना। कुछ देर ये करंट, कभी इस करंट का मान होता है 1 एम्पियर, कभी 9 एम्पियर, है ना, कभी ऐसे करके ये 1 2 3 4 ऐसे करके पहले बढ़ता है, फिर वापस कम होता है, तो अधिकतम मान कितना आता है इसमें, 10 एम्पियर तक आता है ना। तो कुछ देर तक ये एलिमेंट क्या होगा, गर्म होगा, और कुछ देर बाद ये एलिमेंट जो है वो ठंडा होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए इस एलिमेंट को, ये जो सप्लाई है, इस एलिमेंट को मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर पा रही है एवरेजन, क्योंकि कुछ देर ये गर्म होता है, फिर जब धारा का मान का जो है कम होने लगता है, तो इतनी देर में ये इन्वायरमेंट वापस से तार को ठंडा करने लगता है। तो एवरेज वैल्यू जो तापमान की है वह हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, ये केस आपको इतना समझ में आया, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और हम उदाहरण, हम जो है ये अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो हीटिंग एलिमेंट था, इस हीटिंग एलिमेंट को अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पर किसी डीसी बैटरी से लगा देते हैं, और डीसी बैटरी से लगाने के बाद इसमें हम लोग जो है करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग करंट का फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ देखा है कि ये जो करंट है, ये केवल इसमें, इस सर्किट में ये जो डीसी बैटरी लगी हुई है, इसमें अब यदि हम लोग यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करना है, तो इसे हम लोग केवल, जब इसे केवल 7 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं इसमें, तो 7 एम्पियर करंट पर ही ये जो हीटिंग एलिमेंट है इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला सर्किट जिसमें हमने एसी सप्लाई लगाई थी, इसमें जब 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे थे, 10 एम्पियर करंट फ्लो करने पर इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा था, लेकिन वहीं जो डीसी सप्लाई जब हम यूज कर रहे हैं, तो डीसी सप्लाई में केवल 7 एम्पियर करंट लगाने पर ही यह जो हीटिंग एलिमेंट है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर किसके बराबर है, ये 10 एम्पियर जो है पीक वैल्यू, ये 10 एम्पियर की जो पीक वैल्यू है ये किसके बराबर है, यह 7 एम्पियर डीसी के बराबर है ना। 10 एम्पियर बराबर, 10 एम्पियर पीक वैल्यू यानी 10 एम्पियर आईएम जो है यह किसके बराबर हो गया, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर आरएमएस के बराबर, है ना। ये तो क्या होता है कि जो बैटरी मतलब कि जितना करंट किसी एसी सप्लाई की, एसी सप्लाई में करंट की वह वैल्यू जो तार को उतना ही गर्म करेगी, जो एलिमेंट को उतना ही गर्म करेगी जितना कि किसी डीसी सर्किट में कोई डीसी धारा। तो वह डीसी धारा मान जो है, जैसे यहाँ पर 7 एम्पियर जो है, तो यह डीसी धारा मान जो है इस सोर्स का जो है आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो यह आप लोग जो है ध्यान रखें, तो हीटिंग एलिमेंट से इसे समझना आसान होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको लिख करके इसमें क्या मैथमेटिकल रिलेशन होता है, थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशन और बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए, जो आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू यदि आपको पीक वैल्यू पता है किसी सप्लाई की, तो पीक वैल्यू में जब हम यदि 0.707 का जब गुणा कर देते हैं, तो हमें उस सप्लाई की आरएमएस वैल्यू पता चल जाती है। अगर आपको आरएमएस वैल्यू आई, अगर आपको पीक वैल्यू या अधिकतम मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको अधिकतम मान दिया हुआ है, ये अगर ये अधिकतम मान आपको दिया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए 312 वोल्ट है, तो इसमें आप 0.707 का गुणा करके किसी भी सप्लाई की आरएमएस वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली देखिए आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो आरएमएस वैल्यू होती है
वह पीक वैल्यू से हमेशा कम होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी सर्किट में आप लोग 10 एम्पियर पीक वैल्यू वाला यदि एसी सोर्स लगाएंगे और उसकी तुलना में जो है ये उतना ही काम करेगा जितना कि एक 7 एम्पियर करेंट वाला जो है बैटरी सोर्स या डीसी सप्लाई काम करेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये 10 एम्पियर वाले सोर्स की इस एसी सोर्स की आरएमएस वैल्यू को कितना बता रहे हैं, यहाँ पर 7 एम्पियर। ठीक है, तो इसे आप जो है दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो। ठीक है, तो चलिए इसे हम अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी कि डीसी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो जो जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से जो सप्लाई है, सप्लाई में जिस तरह से हम करंट के लिए कर्व बनाते हैं, उसी तरह से वोल्टेज के लिए भी कर्व बना सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर डीसी के लिए कर्व बनाते हैं, डीसी करंट के लिए हमने कर्व बनाया था, तो यहाँ पर वोल्टेज का यदि मेजरमेंट करेंगे तो ये वोल्टेज का मान दिखाएगा, यहाँ पर पीक जो है वो वोल्टेज पीक दिखाएगा। तो इसी तरह से यदि आपको वोल्टेज का एवरेज मान लेना है यदि, तो वोल्टेज का एवरेज मान जो है वह भी वीएम की तुलना में जो अगर जिस तरह से आप यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पल्सेटिंग डीसी की बात करें, तो पल्सेटिंग डीसी में यदि आपको एवरेज डीसी वोल्टेज का मान निकालना है, तो एवरेज डीसी वोल्टेज का मान जो होता है वह अधिकतम मान की तुलना में इसमें आप पाई का गुणा कर देंगे तो आपको एवरेज डीसी वोल्टेज का मान पता चल जाएगा। तो इसी तरह से जो विभिन्न और भी राशियां हैं तो उन्हें आप लोग जो है थोड़ा बुक से देख लीजिएगा, सेम परिभाषाएं हैं, बस करंट और वोल्टेज के रेफरेंस में बताई हुई है। तो आप उसको यहाँ डबल डबल पढ़ाने से केवल टाइम बर्बाद होगा, इसलिए आप उसे थोड़ा जो है बुक से देख लीजिएगा। जो नई परिभाषाएं हैं, जो संबंधित परिभाषाएं हैं, वह मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे हम लोग देखें जो देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, पीक इनवर्स वोल्टेज भी मैं आपको समझा चुका हूँ इसी सर्किट के लिए। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज भी हम लोग छोड़ देते हैं। और देखिए जो पीक प्लेट धारा एक परिभाषा बुक में दी हुई है, पीक प्लेट धारा, तो देखिए पीक प्लेट धारा और जो अधिकतम धारा मान है वो लगभग सेम ही होता है ना। किसी रेक्टिफायर सर्किट में से जितनी अधिकतम धारा प्रभावित होती है उसी को हम लोग पीक प्लेट धारा कहते हैं। देखिए ये जो परिभाषाएं हैं पीक प्लेट धारा वगैरह, ये जब जो डायोड का इन्वेंशन नहीं किया गया था उसके पहले भी रेक्टिफायर सर्किट बनाए जाते थे। उसके पहले जो वैक्यूम ट्यूब होते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके उसके पहले रेक्टिफायर बनाए जाते थे, तो इसीलिए वहीं से रिलेटेड ये धारा है पीक प्लेट धारा। प्लेट शब्द आपको दिख रहा होगा इसमें, तो यहाँ पर जो टर्मिनल्स वगैरह होते थे उनको हम लोग प्लेट बोलते थे, तो ये उससे रिलेटेड धारा है। तो इतनी महत्वपूर्ण अभी ये आजकल रह नहीं जाती, लेकिन इसका आप एक मोटे तौर पर जो है मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कि जो अधिकतम धारा मान होता है किसी रेक्टिफायर सर्किट में वही उसकी पीक धारा कहलाती है। ठीक है, अब लोड धारा देखिए क्या होता है, लोड में जो धारा फ्लो होती है ना वह लोड के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो लोड में जो धारा बहती है, लोड में बहने वाली धारा को हम लोग जो है वह लोड धारा कहते हैं। लोड धारा का मान आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो ओम का नियम लगा करके जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, जितना भी आउटपुट वोल्टेज है आपको जितना भी डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उसमें यदि हम लोग इसमें यदि हम लोग यहाँ यदि इस डीसी में जो लोड का रेजिस्टेंस है उससे भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको जो लोड धारा होगा
लोड धारा का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लोड में से फ्लो होने वाली करंट होती है, जो भी लोड आपने लगाया है, जो भी आपने डिवाइस आउटपुट में लगाई है, तो उसमें से प्रभावित होने वाली धारा को हम लोग लोड धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली जो परिभाषा है, रिपल आवृत्ति, रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, रिपल फ्रिक्वेंसी समझेंगे, बहुत सिंपल परिभाषा है, शब्द जरूर आपको थोड़ा एडवांस लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए देखिए, जैसे जो सप्लाई होती है, एसी सप्लाई, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अभी तक जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एसी में जो एसी सप्लाई होती है वह अपना जो साइकिल पूरा करने में जितना समय लगाती है ना, ये 0 से स्टार्ट हुई यहाँ पर, वो ये वापिस एक एक अपना फुल साइकिल पूरा किया, पॉजिटिव वाला साइकिल पूरा किया और नेगेटिव साइकिल पूरा करके ये वापिस इस 0 बिंदु पर आती है, और इसमें जितना समय लेती है उसको हम जो है इसका एक एक इसका एक साइकिल बोलते हैं। और इस तरह के जितने साइकिल ये 1 सेकंड में पूरे करती है उसे हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे जो हमारी घरेलू एसी सप्लाई है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है ना। तो आपने चूंकि जो रेक्टिफायर सर्किट लगाया, तो रेक्टिफायर सर्किट में आप लोग देख रहे हैं कि रेक्टिफायर सर्किट क्या कर रहा है, रेक्टिफायर को अपने एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लग रहा है। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करें, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो अर्ध साइकिल है, पॉजिटिव अर्ध साइकिल हमको आउटपुट में मिलेगा है ना, इसके बाद ये नेगेटिव के लिए जो डायोड है वह ऑफ रहेगा, यहाँ तक कोई भी आउटपुट में करंट नहीं फ्लो होगी। इसके बाद जब अगली फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो फिर से ये हमें आउटपुट में यहाँ पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसे अपना साइकिल पूरा करने में कितना समय लग रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ इसने अपना आधा साइकिल पूरा किया। उसके बाद देखिए आप, ये जो अगली बार फिर से ये जी बढ़ने की ओर कब आया, ये दूसरा साइकिल इसका यहाँ स्टार्ट हुआ है ना, तो अगला 0 जो था वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, यहाँ से इसका साइकिल दूसरा स्टार्ट हुआ है ना। तो ये पूरा जो समय है, ये पूरा इसका टाइम पीरियड रहेगा है ना, 1 साइकिल इतना हुआ इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरा साइकिल इसका इनका दोनों का टाइम पीरियड बराबर है ना। जो एसी है, जो सप्लाई एसी है और जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, दोनों का टाइम पीरियड समान है ना, तो फ्रिक्वेंसी भी दोनों की समान होगी। तो इसीलिए ये भी लगभग उतना ही, 1 साइकिल में उतना ही समय ले रहा है जितना एसी साइकिल ले रहा है, तो इसीलिए दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्स होगी, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड समान है। ये जो 1 साइकिल पूरा करने में जितना समय लेते हैं उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, और जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वह टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि यदि टाइम पीरियड यदि कम होगा है ना, यदि टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एसी सप्लाई और जो हाफ वेव रेक्टिफायर है दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों की फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज रहेगी। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले आप लोग टाइम पीरियड देखिए कि टाइम पीरियड कम हो रहा है या बढ़ रहा है। यानी कि 1 साइकिल पूरा करने में, एसी के 1 साइकिल पूरा होने की तुलना में ये 1 साइकिल पूरा हुआ, तो इस 1 साइकिल पूरा होने में इसकी तुलना में जो जो हाफ वेव रेक्टिफ जो फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर अपने कितने साइकिल पूरे कर रहा है यह आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ये पॉजिटिव साइकिल तो आउटपुट में हमें मिलता ही है, साथ ही साथ ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये भी पॉजिटिव साइकिल के रूप में यहाँ पर ऊपर की ओर आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव साइकिल जब एसी सप्लाई का आया तो यहाँ पर आउटपुट में फिर आपको पॉजिटिव साइकिल मिला। तो इस तरह से देखिए इसका टाइम पीरियड कितना हुआ है, यहाँ पर ये अपने परिवर्तन कितने किस से किस क्षण के बीच में कर रहा है, यहाँ 0 से 180 डिग्री के बीच में है ना, यहाँ से ये बढ़ना चालू हुआ, फिर ये कम हुआ, फिर अगली बार ये फिर बढ़ना चालू हुआ और यहाँ कम हुआ, मतलब इसका 1 साइकिल कहाँ तक का है, 0 से 180 डिग्री है
है ना। और ये जो एसी साइकिल है ये कहाँ तक है, जीरो से ये 360 डिग्री है ना, ये यहाँ तक इसका पूरा साइकिल है, जबकि ये इसका तो केवल यहीं तक 180 डिग्री में ही पूरा साइकिल हो गया। तो टाइम पीरियड यदि हाफ हो गया तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो है दुगनी हो जाएगी। तो चूंकि एसी की फ्रिक्वेंसी जो है वह कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है घरेलू सप्लाई की, तो जो हमारा जो हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी फ्रिक्वेंसी घरेलू सप्लाई यानी 50 हर्ट्ज की तुलना में इसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाती है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है F=1/T इसको आप लोग अप्लाई करके और इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो रिपल्स होते हैं या जो पल्सेटिंग डीसी होती है, इस पल्सेटिंग डीसी को अपना एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसी समय को हम लोग रिपल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होती है। ठीक है, रेक्टिफायर की दक्षता क्या होती है। ठीक है, यहाँ आपने देखिए यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे जो हाफ वेव रेक्टिफायर था तो हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी, रिपल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आई थी। और जो फुल वेव रेक्टिफायर था, फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी कितनी आई है, 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वह 2 गुना होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, जो रिपल फ्रिक्वेंसी है उसकी तुलना में इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी 2 गुना होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि रेक्टिफायर इफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, रेक्टिफायर इफिशियंसी या रेक्टिफायर दक्षता, रेक्टिफायर दक्षता, देखिए दक्षता यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की दक्षता की बात की जाए, चाहे इंजन की दक्षता हो, तो दक्षता हमेशा होती है आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है, दक्षता जो होती है इसे एक तो ईटा से शो किया जाता है, दूसरी चीज ये जो इनपुट आप दे रहे हैं, जो आउटपुट आपको मिल रही है, जैसे यहाँ पर हमें आउटपुट में पावर मिल रहा है, पावर कौन सा है, डीसी पावर, उसकी तुलना में हम इनपुट में क्या दे रहे हैं, इसे एसी पावर। तो जितना हम एसी पावर देते हैं उसकी तुलना में हमें कितना डीसी पावर उपलब्ध होता है, इसका प्रतिशत ही जो है वह इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें जो आउटपुट में पावर मिल रहा है वह यदि 40.6 वाट पावर मिल रहा है, और इसकी तुलना में जो एसी में हमने पावर दिया वह यदि 100 वाट पावर दिया, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो इसका प्रतिशत होता है 40.6%। यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो इफिशियंसी है वह कितनी होती है, 40.6%। इसका मतलब है कि यदि हम 100 वाट इनपुट में एसी सप्लाई का पावर देंगे तो आउटपुट में हमें केवल 40.6 वाट ही मिलेंगे। इसी तरह से जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है 81.2%। ठीक है, 81.2%। तो ये रेक्टिफायर इफिशियंसी आप लोग याद रख सकते हैं, और ये दोनों ही इफिशियंसी आप लोग याद रखें, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर में इफिशियंसी कितनी होती है, ये टर्म आप लोग याद रखें ताकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाए तो आप इसे सही तरह से इसमें जो है सही आंसर लगा सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें एक परिभाषा और रह गई है अभी, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर को अब मैं आपको कल समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है तो इसीलिए हम यहाँ लेक्चर को इसको यहीं एंड करते हैं। तो कल आपको डिटेल में बताएंगे कि रिपल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, और रिपल एक्चुअली जो पल्सेटिंग डीसी होती है उसमें आप किस तरह से समझ सकते हैं कि उसमें डीसी प्लस जो एसी है वह दोनों होती हैं, तो ये किस तरह से आप लोग को बहुत अच्छी तरह से आसानी से इस बात को समझ सकते हैं और रिपल फैक्टर क्या होता है यह कल थोड़ा आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो कल आप लेक्चर जरूर अटेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल 9 PM पर।